समय की मार है कि लोग आज कैकेयी के नाम पर ही अपनी बेटियों का नाम नहीं रखना चाहते। पर रामायण की दृष्टि में कोई हमसे पूछे कि रामायण में सबसे बढ़िया पात्र किसका रहा माताओं में, तो माताओं में जो समर्पण कैकेयी ने किया वो किसी और मैया ने नहीं किया। हाँ, कैकेयी ने जो समर्पण राम के प्रति किया वो किसी ने भी नहीं किया। बालकाल में एक बार राम जी खेल रहे थे और खेल खेल में राम जी ने कैकेयी मैया की आंखों पर हाथ रख दिए। माता तो सब जानती लेकिन मैया कैकेयी खेल करने लगी तो राम जी ने आवाज बदल करके कहा, बताओ मैं कौन हूं। अच्छा भरत आ गया भरत, कैकेयी मैया तो पहचान गई थी, भरत आ गया भरत, झूठ बोल दिया। राम जी खिलखिलाकर हंस पड़े, मैया तू हार गई है, हम भरत नहीं हम तो राम है। अच्छा हाँ हम हार गए बेटा। राम जी बोले, मैया आप हार गई तो हमें कुछ मिलेगा? हाँ 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 मांगो। राम जी बोले, मैया जो हम मांगने जा रहे हैं सावधानी पूर्वक सुनना, हम ऐसा मांगने जा रहे हैं कि जिससे हो सकता है तुम्हारा सुहाग भी उजड़ जाए, लेकिन आपको देना पड़ेगा। कैकेयी कहती, राम अगर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे एक बार नहीं हजार बार अपने सुहाग को और अपने आप को उजाड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं।